अपनी मांगों को लेकर हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज डिपो में सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पक्के किए 8200 कर्मचारियों को सरकार ने दोबारा कच्चा करने का काम किया। वह मुनाफे वाले रूट को घाटे के रूप में बताकर बंद करने का भी काम किया जा रहा है, जिसके विरोध में धरना दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो हरियाणा व रोडवेज में शांति नहीं रहेगी। अम्बाला से कृष्ण बाली, आजाद टीवी न्यूज। जो पिछली हुड्डा सरकार इस कोर को जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट में ले गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रोडवेज के चालक परिचालक के हक में फैसला दिया और उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर के आदेश जारी कर दिए, लेकिन ये सरकार ये प्रकार का जो हथकंडा दूसरी बार अपना चुकी है। पहले जुलाई में जारी की थी ये चिट्ठी और अब फिर ये 20 नवंबर को जारी कर दिए। इस लेटर के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिससे कि ये हो सके कि एक पक्का कर्मचारी को दोबारा कच्चा किया जा सके। ये जो अधिकारी के एक एडीए की राय लेकर के इस प्रकार का जो ये तगलुकी फरमान जारी कर दिया, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये कर्मचारियों के एक में फैसला सुना दिया तो एक विभाग का एडीए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कैसे हावी हो सकता है। और दूसरा, जो इंटर स्टेट की जो बसें हैं, हरियाणा सरकार ने लेटर जारी किया है कि जो सभी बसें जो भी दूसरे राज्यों में जाती हैं 1 दिसंबर से बंद कर दी जाएगी।